हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राकेश राणा। दोस्तों, मैं अपने इस चैनल पर देसी मुर्गी एवं मछली पालन एवं बकरी पालन एवं ऑर्गेनिक सब्जी के बारे में आपको बताते रहता हूँ। तो मैं जैसे कि आपको देसी मुर्गी के बारे में बता रहा हूँ कि फ्रेंड्स, आप 90 या 100 दिन के अंदर में अपने मुर्गियों का 2 किलो वेट कैसे कर सकते हैं और उसको क्या खिलाना चाहिए, और जिससे कि आपकी मुर्गियों का वज़न जो है वो 90 या 100 दिन में 2 केजी हो जाए। तो इसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो अगर आप देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, इससे ये होगा जो भी यहाँ पोल्ट्री फार्म में आना चाहता है तो उसको एक नया जोश मिलता है। और जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख ही सकते हैं जो मेरे मुर्गियां या मुर्गी कितने हेल्दी हो रखे हैं, तो मैंने इनका जो वेट है वो कैसे इतना गेन किया हुआ है और कैसे मैंने इनको शुरुआत से अभी तक पाल रहा हूँ और ये 90 या 100 दिन में 2 केजी से ऊपर हो गए हैं। आपके सामने लाइव प्रूफ में आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में। ये दोस्तों, मैंने इनको मार्केट का बिल्कुल भी फीड नहीं खिलाया है, सारा का सारा मैंने अपने घर का फीड इनको खिलाया है और ग्रोथ आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हो रखा है इनका। हाँ, मल्टी विटामिन विटामिन कैल्शियम मैंने इनको ज़रूर दिया हुआ है, बाकी मैंने जो फीड है वो पूरा पूरा का अपना घर का दे रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले डिसाइड करें कि आप किस पर्पस से देसी मुर्गी पालन कर रहे हैं। अंडे के पर्पस से कर रहे हैं या फिर आप मांस के पर्पस से कर रहे हैं। अगर आप अंडे के पर्पस से मुर्गी पालन कर रहे हैं तो आप देसी चारा कम खिलाएँ और जो मार्केट का फीड है वो ज़रूर खिलाएं, क्योंकि देसी चारा में अंडा पे बहुत लेट मुर्गियाँ आती हैं। ये मान लो कि 7-8 महीने में अंडे पाती हैं तो इससे क्या होगा, आपको लॉस होगा। इससे खाली वेट गेन होता है, वज़न जो है मुर्गियों का वो जल्दी बढ़ता है जो देसी चारा से होता है, और अंडा पर्पज़ के मामले में थोड़ा लेट हो जाता है देसी में। तो फ्रेंड्स, मैंने देख सकते हैं एक साथ 2 बैच रखे हुए हैं, इस जाली के उधर छोटे बैच जो मैंने रखे थे उनकी भी ग्रोथ देख सकते हैं, और इस साइड जो मेरे बड़े मुर्गे हैं इस साइड वाले मुर्गे मेरे ये 90 या 100 दिन से ऊपर के हो गए हैं, और उधर वाले जो फ्रेंड्स मेरे चूजे हैं वो 1 महीने के हो गए हैं। तो मैंने इनको जब मैं लाया था फ्रेंड्स, तब से मैंने शुरुआत में इनको शुरुआत से ही घर का दाना, जैसे मक्का का दाना हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया, हमारे पहाड़ में एक झुंघरा भी मिलता है फ्रेंड, वो भी मैंने इनको दिया था। तो इससे देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी, और देख सकते हैं मुर्गा मुर्गी दोनों कितने हेल्दी हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इनको किया गया था कि मैं इनको मॉर्निंग में जो है हमेशा जो अपने वहाँ गेहूं होता है उसको, गेहूं को रात में भिगोकर सुबह मॉर्निंग में मैं इनको गेहूं डाल देता था अपने बाड़े में। अभी देख सकते हैं आप ये गेहूं खा रहे हैं, ये मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के टाइम पर मैं इनको 2-3 किलो गेहूं आराम से दे देता था फ्रेंड्स, इतने सारे मुर्गियों को 2-2.5 किलो गेहूँ। और दिन के टाइम फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हरा चारा जो हमारे घर में या खेतों में जो मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ उसमें जो गोभी के पत्ते होते हैं, मूली के पत्ते होते हैं, राई के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते होते हैं फ्रेंड्स, बथुआ हो गया और ओझल घास हो गई, जो भी हमारा ये खेत से प्राप्त होता है हरे में, वो मैं इनको दिन के टाइम काट कर डाल देता था। देख सकते हैं आप, मॉर्निंग में मैं इनको गेहूं देता था फ्रेंड्स, और दोपहर में इनको मैं हरा चारा जैसे मूली के पत्ते, गोभी के पत्ते हो गया, और राई के पत्ते हो गया, केले के पत्ते हो गया, बथुआ हो गया, ओझल घास हो गई, तो ये सारी हरे चारा जो भी आपके वहाँ हरा चारा उपलब्ध हो, अगर नहीं होता है आप खेत में तो आप मार्केट से हरा चारा ला सकते हैं, गोभी के पत्ते वगैरह जो भी है ये काफ़ी कम रेट पर आपको मिल जाएंगे, इससे चारे की बचत भी होगी और फ्रेंड्स आपका जो फीड का खर्च है वो भी बहुत कम आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं इनको मॉर्निंग में गेहूं देता हूं, दोपहर में मैं इनको हरा चारा देता हूं, और शाम के टाइम में जो अपने मुर्गियों को है फ्रेंड्स वो मैं इनको चावल जो हमारे वहाँ भात बोलते हैं जिसको, और राइस होती है जो, उसको उबाल कर भात बनाकर इनको वो देना देता था मैं फ्रेंड्स, ताज़ा ताज़ा। तो ये मेरा रूटीन था फ्रेंड्स, इनको इस तरह से मैंने इनको पाला हुआ है। और जहाँ तक मैंने आपको बोला था कि मैंने इनको विटामिन मल्टी विटामिन कैल्शियम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है,
वो मैं मार्केट से लाया हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने इनको बिमराल, ऑस्टोवेट और जो भी आपके वहाँ मार्केट में उपलब्ध हो मल्टीविटामिन, अगर आप सरकारी विभाग से, सरकारी हॉस्पिटल से लेते हैं, पशुपालन विभाग से, तो वहाँ से कम किमायती में आपको मिल जाता है। अगर आप प्राइवेट तरह से लेते हैं तो आप ऑस्टोवेट, बिमराल ही सबसे बेस्ट होता है। और आप घर का भी खिला सकते हैं फ्रेंड्स इनको, कैल्शियम वगैरह चूना को भिगो कर और उसका पानी जो है 24 घंटे के ऊपर बाद में जो पानी उसका ऊपर का रह जाता है उसको आप इनको दे सकते हैं, उससे इनकी कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है फ्रेंड्स। और जो राख होती है फ्रेंड्स हमारे वहाँ कोयला जो राख जो चूल्हे से बचती है उनको भी आप इनको दे सकते हैं, तो उससे भी जो है इनमें बिटा कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है। तो मैंने इस हिसाब से इन मुर्गियों को पाला, तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे दूसरे बैच की मुर्गियां भी थी मैंने देखो एक साथ शिफ्ट कर दिए हैं। ये भी कितना एक एक इनको 1.5 महीना हो गया है, 1.5 महीने में आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं किस तरीके से। मैंने अभी देख सकते हैं दूसरी वीडियो में क्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ये जो मैंने मुर्गी के बच्चे जो अलग किए थे वो भी मैंने साथ डाल दिए क्योंकि आधी मुर्गियाँ सेल आउट हो गई थी, तो मैंने इनको साथ में रख दिया। तो फ्रेंड आप देसी मुर्गी पालन जब करना चाहते हैं तो किस पर्पस से देसी मुर्गी पालन में आ रहे हैं वो पहले डिसाइड कर लें। अगर आप अंडे के पर्पस से आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको लेयर फीड और फ्री स्टार्टर स्टार्टर से शुरू करना चाहिए। अगर आप खाली मीट के पर्पस से आ रहे हैं तो देसी तरीके से भी पाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल